गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का एक वीडियो बनाने जाने हैं जो है एक्ट 6.4 पे। अब सोच रहा हूं कि एक्ट 6 जल्द से जल्द निपटाएं और थ्रोन ब्रेकर बना जाए। फटाफट एक बार जाके देखूं मेरे कैटलिस्ट में इन्होंने डाला है अभी तक कि नहीं। टीयर 5 नो, स्टिल मिसिंग। एंड कबाम को मैंने टिकट रेस किया हुआ है। अगर आपने मेरा अलायंस वॉर की सीजन रिवॉर्ड ओपनिंग नहीं देखी तो उसमें ये धोखा हुआ था मेरे साथ कि कैटलिस्ट मिले पर T5 CC नहीं बना। तो गाइस जाके इसमें पहले फटाफट देखते हैं कि क्या क्या बात है, कौन सा इजी बात है, कौन सा मुश्किल बात है, एंड वी विल थिंक कि देन कि क्या लेन लेनी है। ओके तो ये पहले मतलब ओके पहला भी एक पोर्ट आता है यहाँ पे विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये है क्या नोड है, बायो हैजर्ड नैनो प्लेग। ओके एंड टनल विजन, आई हेट टनल विजन, आई हेट टनल विजन। हाँ वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, आई थिंक दो फाइट तो वही निकाल लेगा, दो तीन चार फाइट नहीं सीजी के लिए हैं फाइट्स, बट बहुत रैंप अप करना पड़ेगा उसे यार यहाँ पे। वरना अगर हम दूसरा देखें ऑप्शन यहाँ पे, ये वाला है विग्रेस असॉल्ट, शेयरिंग स्कैनिंग एनी टाइम अटैकर ट्रिगर्स अ रीजनरेशन बफ और पैसिव इफेक्ट, द डिफेंडर गेन्स 100% ऑफ द हेल्थ द अटैकर गेन्स। तो मेरे पास कोई रीजन चैंप नहीं है थैंकफुली। व्हेनेवर द अटैकर इज नॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ रीजन द डिफेंडर गेन्स अ पैसिव फ्यूरी एवरी 1 second। Each fury increase the defender's attack by 50% and are all removed if the defender gains a regen buff. Oh, तो regen चाहिए होगा champ इसके लिए, तो मेरे पास नहीं है, तो ये वाली lane मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पे दो option थी सिर्फ, है ना, A B biohazard और ये दूसरे में देखते हैं ये क्या है। Gimme, whenever the attacker regenerates health, the defender is dealt direct damage equal to 400% of the health gained. Hey? Direct damage equal to 400% health gained. Okay, but the defender takes 75% less damage from other sources. Achha, toh regen champs will be very good. Stung one twice shy hai, energize hai, 200% power रेटिंग है, तो बहुत गंदा है लग रहा है यार ये, तो रीजन है ही नहीं, तो अभी रीजन में देखने क्यों, राइट। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आई थिंक ये वाला जो है रीबाउंडेड डिटर्मिनेशन फॉर ईच डीबफ द डिफेंडर गेन्स। ओ डू यू ब्लीड है, अच्छा ये वाला कर सकते हैं, डू यू ब्लीड एक बार ट्राई करेंगे हम ये। एंड फिर ये है ओके फिर ये है थर्मोस्टैट, hot and bothered, sharing is caring, anytime attacker triggers a regeneration or passive, defender gains 100% of the health attacker gains from the buff or passive effect. ये भी किया जा सकता है, I think thermostat के लिए best है human torch and colossus, वो दोनों मेरे पास हैं, so I can do this lane, but इसमें ये दिक्कत देगा, right? ये वाली fight दिक्कत देगी, ये हो जाएगी, वो वाली हो जाएगी, बाकी सारी हो जाएंगी। ओके सो दिस लेन इज क्वाइट पॉसिबल, दिस लेन इज पॉसिबल, ब्लीडर है अगर आपके पास, और ये लेन है बेन एंड पावर शील्ड। ओ वैसे बेन एंड पावर शील्ड करूँ, आई थिंक फायदे में रहूँगा कॉर्वस के साथ। लेट्स गेट कॉर्वस एंड सी, कॉर्वस के साथ ही करते हैं ये वाली लेन। 200% बूस्ट नहीं लगाएंगे हम, 150% बूस्ट से ही काम चल जाएगा आई थिंक। ओके कॉर्वस हो गई, फिर से एक बार देखते हैं बॉस कौन है। बॉस है आई थिंक आइसमैन। आइसमैन के लिए हमें चाहिए दो मेरे पास इम्यून है, तीन इम्यून चैंप लेकर आए हूँ आइसमैन के लिए, कॉर्वस ग्लेव, ह्यूमन टॉर्च और कलोसस, तीनों ही इम्यून हैं कोल्ड स्नैप से, और बॉस पे नोड्स हैं प्रोटेक्शन शील्डिंग, स्टन इम्यूनिटी, इन्हांस्ड एनर्जी अटैक्स, हील ब्लॉक। ओके हील तो करना ही नहीं मैंने, मैटेडोर गेन्स पावर एवरी डी के। चलो
चलो शुरू करते हैं गाइस ये क्वेस्ट बिना किसी बकचोदी के. वी विल डू फर्स्ट टू वॉर फाइट्स विद एगॉन, क्योंकि एगॉन चार्जेस कलेक्ट कर लेगा अपने और धांसू हो जाएगा. राइट, चलो लेट्स स्टार्ट. रीस्टार्ट कर रहा हूँ. मेरा यार एगॉन मर गया. इतना अच्छा कॉम्बो बनाया था, वीडियो डिलीट कर दिया मैंने गुस्से में आके. इतने अच्छे से कॉम्बो बनाया था मैंने एंड आई मेस्ड इट अप. कोई नहीं, पर यूनिट रिवाइव लगाने से अच्छा है कि शुरू की दो तीन फाइट आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ, फिर ही आगे बढ़ने का फायदा है, वरना नहीं है, है ना? मैं सोचता हूँ ये. पिछली बार मैंने 111 का कॉम्बो बनाया था एगोन का, इस बार देखते हैं कितना बनेगा. स्पेशल टू अभी ब्लॉक पे नहीं आया क्रिटिकल, 100 के बाद आएगा शायद. अभी 200 200 के ही पड़ रहे हैं, वरना 4-4 5-5 हज़ार की एगोन मार देता है ब्लॉक पे ही डैमेज. और अगर मैं ध्यान से इसका 500 से ऊपर ले जाऊं कॉम्बो, तो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा गाइस. स्पेशल टू पे आ गया ये. हाँ अब पड़ रहा है ना 2200 का, 1500 का भी पड़ रहा है. बट द पॉइंट इज कि इसका मतलब मेरे को कॉम्बो मीटर बढ़ाना है. ब्लॉक पे नहीं मारूंगा ज्यादा मैं पहली दो फाइट्स पे. ब्लॉक डैमेज ले लिया जरा सा, कोई नहीं आगे से ध्यान रखेंगे. एक सेकेंड गाइस, कंफर्टेबल हो जाए. हाँ राइट, कूल. 22% पे है. ऑल राइट, कोशिश है. एक सेकेंड गाइस, फिर से होल्ड करना पड़ जाएगा आप लोगों को. गिव मी वन सेकेंड. ओके लेट्स कंटिन्यू. दरवाजे पे कोई आ गया था तो आई हैड टू गेट अप. ऑलराइट, आई थिंक 150 से ज्यादा आ जाएगा इस बार. हाँ 150 तो क्रॉस कर ही गया है. ऑलराइट ऑलराइट, 150 × 80 मतलब 120 तक के कॉम्बो बन जाएंगे शायद. चलो अब वेनम द डक, जहाँ पे मैं गलती से मर गया था उसका स्पेशल टू इवेड करने के चक्कर में. एक स्पेशल टू से मर गया है. 114 मतलब 3 का ही फर्क पड़ा है कॉम्बो में देखा जाए इफेक्टिवली तो. ओके यार इसमें बने अगर कॉम्बो और आई वॉन्ट टू अवॉइड ओनली ही स्पेशल वन. स्पेशल टू पे भेजूंगा ही नहीं इसको, तो पंगा ही ना है. और अब मैं स्पेशल वन दूंगा सिर्फ, क्योंकि मेरे को उसको ब्लीड देके उसका हेल्थ कम नहीं करना. आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई कॉम्बो. पहली फाइट में जनरली मैं इसलिए स्पेशल टू देता हूँ क्योंकि एक बार बेस सेट हो जाता है एगोन का, अगर स्पेशल सॉरी उसके कॉम्बोज का, फिर अगली फाइट से वो काफ़ी अच्छा खेलने लग जाता है. सो यू कैन यूज़ दिस मेथड कि पहले फाइट में यू कैन अप्लाई लॉट ऑफ स्पेशल टूज, देन आगे बढ़ते रहो तो कॉम्बो बढ़ाने के लिए स्पेशल वन दो, क्योंकि इतना हार्ड हिटिंग नहीं होता. सौ हिट तो इसमें भी आ ही रहे हैं लग रहा है. ओके
ओके अनदर स्पेशल वन, अब इसको मार सकते हैं हम आराम से। आई थिंक स्पेशल टू भी दे सकता हूँ मैं इसे, जस्ट टू गेट रेड ऑफ हिम। ओके ब्लॉक पे, ब्लॉक पे 3000, यस यही ऑब्जेक्टिव था। स्पेशल वन अगेन, 114 हो चुका है मेरा। फोर हिट कॉम्बो दूंगा ताकि उसका ज़्यादा पावर ना बने। कम ऑन स्पेशल बन जा, नहीं बना। वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ हिज स्पेशल वन, हो गया। ऑल राइट सो द सेकेंड फाइट इज़ ऑल्सो ओवर। बहुत लंबी खींची मैंने ये ताकि मेरा 200 से कॉम्बो क्रॉस हो जाए। आई थिंक 200 से काफ़ी ऊपर हो गया है, 220-230 हो चुका होगा। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट फाइट अगेंस्ट दिस गाय पनिशर, जो काफ़ी पनिश करेगा। थोड़ा वो बढ़ा लेते हैं अपना बूस्ट पास, लगा लेते 10% अटैक लगा लेता हूँ। 200% पर अटैक, 150% कहाँ गया मेरा कॉस्मिक? आउच, ये तो स्पेशल थ्री देते रहूँगा फिर तो मैं। कोई नहीं, 200% यूज़ करते हैं। देन थिंक 10% बहुत है चैम्पियन बूस्ट, एंड 15% हेल्थ बूस्ट इज इनफ। तो अब चलते हैं कॉर्वस के साथ फर्स्ट फाइट। आई होप आई डोंट मैस इट अप। पावर शील्ड है तो बस स्पेशल टू तक पहुंचना है, वही ऑब्जेक्टिव है। और बेन नोड है तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा पंगे ले नहीं सकते। अब इसका स्पेशल वन इवेट करते हैं। 10 चार्जेस हैं अभी कॉर्वस पे। ओके ऑलराइट, देख रहे हो जादू, यही करना है अब उसका। वो अनफॉर्चुनेटली वो अजीब सा आ गया, सेफ गार्ड जो हमेशा आता है, पर मर गया गाइस वो। थैंक गॉड, वाओ दैट वाज गुड फन। मैं कौन से डैमेज से मर रहा हूँ मुझे ये नहीं समझ आ रहा, पर थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेते हैं इसकी। ओके एंड फिर से कॉर्वस, अब एक चार्ज भी मिल जाएगा म्यूटेंट का। बस स्पेशल टू तक पहुंचना है सही सलामत, ज़्यादा पैरिडली नहीं लेनी। जब उस पर बेन लगा होता है तो रिलैक्स कर सकते हो आप, क्योंकि लिम्बर का ध्यान रखना है बस। अब पैरी लो, अब ये वापस दे दो उसे। ओके अरे बेन बहुत ज्यादा हेल्थ ले रहा है यार। ओके स्पेशल टू, कम ऑन ब्रिलियंटली डन बाय कॉर्वस। एक और हेल्थ पॉइंट डालते हैं और ये आई थिंक इट विल बी द क्विकेस्ट फाइट एवर। क्विकेस्ट ही हो रही है गाइज। आई थिंक उसके अगेंस्ट नहीं चलेगा बस, बूस्ट नहीं चलता गाइज अगेंस्ट दिस गाय। मिस्टिक के अगेंस्ट कॉस्मिक बूस्ट नहीं चलता, सो वो वाला पंगा तो रहेगा। और जैसे आपको पता है पावर शील्ड में बेसिक अटैक से डैमेज नहीं होता, बस इसका ही फायदा है, स्पेशल का फायदा है। पैरी ले लिया मैंने ताकि इसको वापस दे दूं इसका। ओके
लेट्स गो स्पैम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ नहीं नहीं मार दिया भाई, मार दिया जाए, मार दिया मार दिया। वो कैसे दे रहा है, वो गिरा हुआ है, ये नहीं समझ आता। कभी कभी ना कभी ऐसे दिमाग ख़राब कर देता है यार। ही वॉज डाउन एंड आउट और उसने मेरे को दे दिया। कोई नहीं, मैं रिवाइव यूज़ करके आई विल यूज़ कॉर्वस ओनली। 70,000 की हेल्थ बची है, एक स्पेशल टू में मर जाएगा, एक ही चाहिए थी बस इसे। I'll reach to the special two very soon. Okay. Oh no! इतनी जल्दी health down. एक और फाइट डन, कॉर्वस इज ओपी। अगर ये अवेकेंड होता तो मेरे को बेन की भी टेंशन नहीं होती गाइस, टू बी ऑनेस्ट, बट बेन की टेंशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट फाइट इज होल्ड, विल टेक ह्यूमन टॉर्च ऑब्वियसली अगेंस्ट एनी मिस्टिक चैम्प, इज द बेस्ट। और डैमेज ओवर टाइम वाले लगते हैं डीबफ, बस ये ध्यान रखना है कि बेन का पंगा है ज़्यादा, अब इसको पैरी नहीं देनी। चल भाई दे दे स्पेशल, ये मिस ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस फ्रॉम ह्यूमन टॉर्च। ये क्या हुआ भाई, पिट क्यों गया मैं? कम ऑन बेन ना आ जाए वापस, मर गया वो। गुड गुड एक्सलेंट, चलो एक और फाइट डाउन। सेबर टूथ ऑफ कोर्स ह्यूमन टॉर्च, सॉरी कॉर्वस ग्लेव। कितनी फाइट बची है इस लेन में, वैनम बचा, वैनम को भी कॉर्वस से ही मारेंगे यार। ऑलराइट, थोड़ा सा हील करते हैं, ये हेल्थ पॉट्स तो मिलते रहते हैं डेली आपको, और मैंने काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रहा था। अभी मैंने क्रिस्टल भी नहीं खोले अपने कैवेलियर वाले, वो 4R वाले खोलूँगा तो उसमें और मिल जाएंगे। स्पेशल 3 बन गया, इतना कैसे डैमेज दे दिया? इतना डैमेज कैसे दे दिया था कॉर्वस ने? अबे यार मेरी वही खत्म हो गए। शिट यार, ये तो हार गया मैं फाइट। 50% में पहुंच गया यार वो। ओ गॉड, चार्ज मैंने ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया यार, वेरी वेरी बैड मूव। मेरे को चार्ज बचा के रखने चाहिए थे, और वो रीजन भी कर रहा है बहुत धासू। अरे यार कोई नहीं, घोस्ट भी चलेगी गाइस इस पाथ के लिए, अगर आप घोस्ट है आपके पास।
आई थिंक एगॉन का भी तगड़ा ही पड़ेगा स्पेशल टू। एक बार देखें 230 का कॉम्बो है इसका। लेट्स यूज हिम अगेंस्ट वेनम, तो कॉम्बो भी बढ़ेगा। आई थिंक 4000 का ब्लीड ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे। अबे यार पेल दिया इसने, नॉट प्लेइंग दैट वेल। और वेनम बहुत पीछे भागता है यार। उसको वापस बेन दे दिया, अब टाइम पास करते हैं। आ जा शिट। ओहो ढेर हो गए भाई हम तो ढेर। ओह गॉड, कोई नहीं, लेट्स अगेन गो विथ कॉर्वस और स्पेशल टू ही देते हैं एक बार। उसको बेन दे दिया मैंने, उसका स्पेशल टूल नहीं बना दिया। अबे यार जिस बात का डर था वही हुआ, उसका स्पेशल टू बना दिया था मैंने एंड आई एम डेड अगेन। ओके नॉट द बेस्ट रन्स गाइस, नॉट द बेस्ट। आई थिंक 6.4 इज अ पेन एज इट इज, वो तो झेलना ही पड़ेगा। मैंने लिया भी तो सबसे घटिया बात है। ओह यस गुड शॉट्स, गुड शॉट्स बाय कलोसस एंड मैन डाउन, वेनम इज डाउन। अबे वाटर प्ले दबाना पड़ेगा। ओके लास्ट इज मॉर्निंग स्टार, इसमें यूज करेंगे कलोसस, कलोसस ओनली, ब्लेड इम्यून एंड क्या है बेन पावर शील्ड लिम्बर। ओके ज़्यादा पैरी नहीं देनी, फिर से याद कर रहा हूँ मैं अपने लिए। मैं ब्लॉक कर लो, वो ब्लॉक पे मारेगी फिर हैवी दे ही देगी। ऑन हिट हार्डर, स्पेशल वन वेट करने के लिए काफी टाइम है विद द पेन टाइमर। ये वाली फाइट ढंग से खेल रहा हूं मैं। ये क्या हो रहा है भाई, मेरे पे कैसे पावर आई जा रही है। अच्छा एक और नोड होगा शायद इसमें, तभी एरन कॉर्वस की भी स्पेशल बढ़ी जा रही थी वेरी। अबे यार बेन का डैमेज देख रहे हो, 2000 पर टिक। आजा अबे यार शेट शेट शी वाज अन क्लोसस भी मारा गया मेरा। टीम रिवाइव भी लगेगा अब तो बॉस पे, बॉस से पहले ना लगे बस। अब बहुत गंदा खेला यार, सो वेस्ट।
पूरा वेस्ट कर दिया मैंने अपना रन, नेवर माइंड, अब मजबूरी, अब क्या करूं। शॉक का डैमेज तो लग ही रहा है शायद, नहीं चल भाई, स्पेशल दे तू तब मेरे को मिलेगा पावर। दो भाई स्पेशल, एक और स्पेशल थ्रो करवाते हैं इसे। दे दे भाई, दे 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 दे, प्लीज 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 गिव योर स्पेशल, बार नहीं बेटे। परफेक्ट ब्लॉक, अब मेरा स्पेशल टू खा। ले गई, ओके चलो कोई नहीं। मैं पूरी टीम हार चुका हूँ अपनी, बट जज्बात नहीं आ रहे, जज्बा नहीं आ रहे, जज्बा कहते हैं हाँ थोड़ा यार, मतलब आई थिंक लेन सेलेक्ट करने में गलती कर रहा हूँ, बट आई थॉट दिस वुड बी द क्विकेस्ट, और टाइम के हिसाब से आज मैंने ये वाला लेन लिया। लेट्स गो विद गार्डियन फर्स्ट, प्रोटेक्शन शील्डिंग है, 4% डैमेज, स्टन इम्यूनिटी, एनहांस्ड एनर्जी अटैक, हील ब्लॉक, मैटेडोर, प्रोटेक्शन शील्डिंग। ओके लेट्स गो विद गार्डियन और देखते हैं गार्डियन कितना डैमेज दे पाएगा आइस मैन को। मेरी हेल्थ तो 50% पे ले आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, अपने इनिशियल वाले डैमेज से ही। ओके अभी तो कुछ भी नहीं हुआ एंड ही इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड माई हेल्थ। मैं अपना स्पेशल दे दूं एक, फिर दो स्पेशल थ्रो करवाने हैं इससे। अबे दे दे, शेट मर गए। हाँ मेरे को दिक्कत होती है कभी कभी इसका अवॉइड करने में गाइज, बट टीम रिवाइव, ओके आई हैव वन टीम रिवाइव लेफ्ट, अनफॉर्चुनेट क्योंकि उस पर भी लगेंगे काफ़ी, ग्रैंड मास्टर पे, पर तब यूनिट्स है मेरे पास, लगा लेंगे यूनिट जितने 500,000 जितने मर्जी। मीडियम लाइट मीडियम का कॉम्बो, फिर स्पेशल टू देंगे इसको अपना धासूसा, पर इसमें आई कैन नॉट गेन पावर फ्रॉम एनी बूस्ट, ये अच्छे से वेट किया मैंने। अबे शेट शेट शेट, अगेन अगेन मैं पहले पीछे चले गया और मार खा गया, कोई नहीं। लेट्स स्टार्ट विद एगॉन एंड वी विल, व्हाट वी विल डू इज स्टार्ट द हेवी। डैमेज ले लिया, 11 सेकंड और बचे हैं, 7 5 4 2 1, अब इसका स्पेशली वेट करते हैं। अबे यार he didn't hit me, और मैं ब्लॉक डैमेज से मर गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू मेरे को थोड़ा मारेगा और मैं और डैमेज ले लूँगा, बट नॉनदलेस नहीं हुआ वो। कलोसस टू द रेस्क्यू, देखते हैं कलोसस कुछ कर पाएगा। अबे फिर से सेम मिस्टेक जो मैंने कॉर्वस की थी, मैं पहले ही पीछे चले गया और उसने फिर अपना दे दिया, कोई नहीं लॉस तो डैमेज ही नहीं ले पा रहा यार। चलो
रिकॉर्ड ही मेरे भाई यार, एक कॉर्वस की स्पेशल लग जाती, क्या चले जाता तेरा। कोई नहीं, ह्यूमन टॉर्च लेके जाते हैं। ही इज कोल्ड स्लैम इम्यून, तो इसको कोई डैमेज नहीं आएगा शुरू में, बाकी सबको आएगा। बाकी सबको क्या, ईगॉन को नहीं आएगा, उसका कॉम्बो काफ़ी बड़ा हुआ है। ऑलराइट, आइस मैन अनफॉर्चुनेटली इम्यून नहीं है इंसिनरेट से। दैट इज वेरी वियर्ड, होना चाहिए था ये इम्यून। कोई नहीं, तो ब्लॉक पे ही चाहिए मुझे तो इसका डैमेज, क्योंकि मेरे को और फ्लेयर चार्जेस मिलते हैं। आई थिंक मरी आई, पहले ह्यूमन टॉर्च यूज कर लेता। कूल, ऑलराइट, बहुत ही फ्लेरी हो गया है। एंड डन डन डन। चलो गाइस, इसमें लगे तीन चार मेरे लेन में रिवाइव, एक टीम रिवाइव लग गया बॉस पे, विच इज ओके। आई थिंक इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको लेके ही चलना चाहिए 6.4 के लिए। और मतलब हिम्मत नहीं हारनी, पहले दो तीन फाइट आपको ढंग से खेलने हैं, वो याद रखना जैसे मैं करता हूँ। अगर नहीं हो पा रही तो रीस्टार्ट कर लो, एक दो बार ट्राई करो, इट विल हैपन सूनर और लेटर। ऑलराइट, होप आपको ये वीडियो पसंद आया 6.4.1 का। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक स्मैश करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स अलायंस मेम्बर्स के साथ। एंड आई विल सी यू very soon in the next video. Till then, have a great time and bye-bye.